खुशखबर 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 गाइज, आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबर। आज की वीडियो में जो है आपको बहुत ही खुशखबर मैं बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनविजन एआई एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करें ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है देख पाए। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। तो न्यूज़ क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है प्रमोद, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, एनविजन एआई एप्लीकेशन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो क्या है गाइस ये एनविजन एआई, ये जो एप्लीकेशन है ये क्या है, आपको परचेस करना होता है ना, तभी वर्क करती है। मतलब कि परचेस करना ही पड़ता है इस एप्लीकेशन को, लेकिन अब आपको जो है परचेस करना नहीं होगा। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही खुशी की बात है। ये जो एप्लीकेशन अभी 2022 मतलब कि जून महीना चल रहा है ना, तो आने वाले अगले महीने मतलब जुलाई महीने में 15 तारीख से मतलब 15 या 20 तारीख के बीच में है ना, ये एप्लीकेशन जो है फ्री होने वाली है। मतलब 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में इस एप्लीकेशन का एक अपडेट आएगा, ठीक है। तो अपडेट आएगा तो ये एप्लीकेशन जो है फ्री हो जाएगी, फिर आप सभी लोग इस एप्लीकेशन को फ्री में यूज कर पाओगे। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये एप्लीकेशन जो है, तो इस एप्लीकेशन को आप फ्री में डाउनलोड कर पाओगे, आपको कोई भी पेमेंट करना नहीं होगा। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। अगर आपको गुड न्यूज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें। और हाँ गाइस, अब मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर जो है तो सोच रहे होंगे कि भाई बहुत दिनों के बाद आज वीडियो हुई, तो उसका रीज़न क्या है, तो चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं अपनी हर एक बात अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहता हूँ, है ना। तो गाइस, दरअसल बात ऐसी हुई कि मैंने अपना फ़ोन रिसेट किया, तो मुझे ना ही इस जीमेल आईडी का पासवर्ड पता था ना ही ये जीमेल आईडी पता थी, है ना। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, जिसने जब मैं बेसिक कोई भी बेसिक होता है तो उन्हें जीमेल आईडी क्रिएट करना तो नहीं आता, और पहली बार मेरा जो ये फ़ोन है मेरे हाथ में आया था, है ना, पहली बार, क्योंकि मैं तो कोई भी फ़ोन चढ़ा नहीं था। जब पहली बार ये फ़ोन मैंने खरीदा तो मेरे हाथ में आया, तो जीमेल आईडी तो मुझे क्रिएट करने नहीं आती थी भैया। तो क्या किया, किसी और को मैंने जीमेल आईडी क्रिएट करवाने के लिए बोला, तो मुझे कहाँ पता होगी जीमेल आईडी क्या है कि मतलब पासवर्ड सपोज। तो फिर गाइज, अब मैंने जो है रिसीट किया, उसके बाद फॉरगॉट ईमेल पे क्लिक किया गया, फॉरगॉट ईमेल पे क्लिक किया लेकिन मुझे वो ओटीपी आया, लेकिन मैं वहाँ पे जो है डाल नहीं सका। तो मैंने क्या किया, 2-3 बार ऐसा ही किया, तो फिर जो है मेरी आईडी मतलब लॉक हो चुकी थी, गूगल ने लॉक कर दिया था, क्योंकि गूगल ने सोचा कि भाई ये कोई बड़ा हैकर होगा या कुछ, तो इसलिए जो है मेरी आईडी फिर लॉगिन ही नहीं हो रही थी। फिर हम लॉगिन करने के लिए की जो है कोशिश कर रहे थे लेकिन लॉगिन हो ही नहीं रही थी, है ना। हमने फॉरगॉट ईमेल पे भी क्लिक किया फिर भी हो ही नहीं रही थी। फिर वो वहाँ पे बोल रहा था कि 48 घंटे के अंदर जो है ये आईडी नहीं सॉरी 48 घंटे के बाद इस आईडी को अनलॉक किया जाएगा, ये बोल रहा था, क्योंकि गूगल ने सोचा कि भाई ये हैकर है इसलिए बहुत बार बार ट्राई कर रहा है, क्योंकि मैं बार बार ट्राई कर रहा था, है ना, क्योंकि मैं ओटीपी जल्दी जो है वहाँ पे डाल नहीं पा रहा था, तो इसलिए तो उसने लॉक कर दिया। फिर आज मैंने अभी जो है मैं गया फिर से गूगल में, फिर एड ईमेल एड्रेस में गया, फिर सब कुछ मैंने किया, जो है ईमेल एड्रेस सब कुछ डाला, जिन्होंने आईडी क्रिएट किया था उन्हें कॉल किया और फिर पूछा मैंने गया पासवर्ड क्या है, उन्होंने सब कुछ बताया, उन्हें अच्छा हो गया उन्हें याद था, तो फिर हमारे सॉल्यूशन सब कुछ हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व सब कुछ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ये ध्यान रखोगे और कभी भी अपना फ़ोन रिसेट करोगे तो अपनी आईडी नोट करके रखोगे, अगर आपको नहीं है पता तो पासवर्ड फॉरगेट करके अपने हिसाब से आप पासवर्ड रखोगे। तो मैंने आपको ये इसलिए आपको बताया ताकि आपसे भी ये गलती कभी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगती, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।